थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चित्ती खाने में उस समय हड़कंप मच गया जब अवैध पटाखों की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया है। मौके से पुलिस ने 5 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। बरामद जखीरे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चित्ती खाने में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस ने अवैध पटाखों की सूचना पर छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया। बंद मकान में पुलिस छापे से हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही को अंजाम देते हुए अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद किया है, जबकि एक ओर प्रशासनिक अधिकारियों ने सिर्फ हरित पटाखों की अनुमति ही प्रदान की थी, उसके बाद भी ताज नगरी में बड़े बम्बों का जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही में जुटी हुई है। जी, कल रात्रि में कोतवाली पुलिस ने अवैध पटाखे जब्त किए हैं और पटाखों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है, पूरा कीमत का अनुमान लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है, उस पूरा जाँच पड़ताल कर रही है और लगभग 4 लोडर पटाखे वहाँ से जब्त किए गए हैं, जिन्हें और उस पर मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो रही है। सर, अवैध पटाखों की अनुमति नहीं थी, उसके बाद भी ऐसे पकड़ा के पहुँचे गए थे। जी, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और सभी अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम लोग हर थाना क्षेत्र में, नगर के हर थाना क्षेत्र में ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, खुफिया तरीके से जाँच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं और जहाँ भी ऐसा मिल रहा है वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ बहुत फकरी गलियाँ हैं, अगर कोई धमाका होता तो कितनों की लड़ना थी, फ्री होते जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस इसीलिए मुस्तैद है कि जहां पे आबादी रहती है वहां पटाखा स्टोर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, उसके लाइसेंस ही नहीं मिलता है। वहां जो भी लोग अवैध रूप से पटाखा स्टोर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और सभी व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे जगहों पर पटाखा स्टोर न करें, क्योंकि ये जनहानि को बहुत ही नुकसान पहुँचा सकता है। एसपी सिटी ने बताया कि मुखबिर खास के द्वारा अवैध पटाखों के गोदाम की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अवैध पटाखों के बड़े जखीरे को पकड़ा है। साथ ही अवैध पटाखे का भंडारण कर रहे 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिन पर पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही विकास कुमार ने अवैध पटाखों के धंधे में संलिप्त लोगों को चेतावनी देते हुए बताया कि अवैध पटाखों का कारोबार बंद कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ भी बड़ी कार्यवाही की जाएगी।